प्रॉपरली सुनना है, समझना है और अपनी टीम तक भी पहुंचाना है. ओके सो दोस्तों, मैं ज्यादा आपके और मैनेजमेंट के बीच में ज्यादा टाइम ना लेते हुए अपने मैनेजमेंट के जो हमारे जितेंद्र सर है मीटिंग में उपस्थित है, मैं उसको आज यहाँ पे बुलाना चाहूंगा. जीतू भाई, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ. सर कोश बना लीजिए. यस 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 मैडम सर को कोच बनाइए. हाँ, रियल रियल कैश मैनेजमेंट नाम से है सर, उनको कोच बनाइए. ओके सर. ओके प्लीज सर कंटिन्यू. सर हम अभी थोड़ा सा ट्रैवलिंग में हैं, हम अगर मीटिंग में से चले जाए, क्योंकि मेरा ऑलरेडी मैं बाहर पर निकल गया चुका हूँ मीटिंग से. ओके तो अगर हम मीटिंग से भी निकल जाते हैं तो भी आपका मैसेज हम तक पहुंच ही जाएगा, लेकिन आपका मैसेज अपनी टीम में पहुंचना बहुत जरूरी है, इसलिए आज की मीटिंग अर्जेंट बेसिस कॉल की थी. सो आप मीटिंग का चार्ज लीजिए. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू गाइस. आप सभी का वेलकम करता हूँ आज के जूम मीटिंग में. दोस्तों अभी बहुत सारी अपडेशन थी जिसकी हम बहुत टाइम से लोग इंतजार कर रहे थे, और यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद है सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा. कि आज मैं आप सभी से यही बात करना चाहूंगा कि सबसे पहले आपके अगर पास नोट पेंसिल है ना तो वो साथ में रखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मैं जो जो भी चीज बताने वाला हूँ वो आपको सारी की सारी बातें आपको समझ भी लेनी है और अपनी टीम में एंड तक एंड यूजर तक वो चीजें पहुंचानी है. ये बात इसलिए इतनी जरूरी है क्योंकि होता क्या है कि जब तक एंड यूजर तक ये बातें जब तक पहुंची नहीं है तब तक सारे की सारी जो क्वेरी होती है वो हमारे कस्टमर केयर में आती रहती है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी जिस तरीके से कंपनी वर्कआउट कर रही थी और जिस तरीके से सिस्टम लोड ले रहा था यूपीआई की रीजन की वजह से, वो सारा का सारा आज हमने सॉर्ट आउट कर दिया और आप सबको यूपीआई की जो पेमेंट जो हमारा गेटवे है वो आप सबके लिए ओपन कर लिया है. ठीक है, तो ये सब हमें मोटिवेशन कहाँ से मिला, आप लोगों की वजह से ही मिला. कि लोग जब हमें बोल रहे थे कि सर जल्द से जल्द आइए, और आपने अच्छी तरीके से वर्कआउट किया और अपनी टीम में भी काम करते रहे. कुछ लोग थे जो हमें मैसेज कर रहे थे जब तक अब यूपीआई नहीं आएगा हम काम नहीं करेंगे. तो सर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमने कभी भी अपना पेमेंट गेटवे बंद नहीं किया था. हम पेटीएम से कंटिन्यू डेली बेसिस पे विड्रॉल लोगों को दे रहे थे. ये उन लोगों का प्रॉब्लम था जिनके पास पेटीएम नहीं था. ठीक है, आज उनके लिए भी ऑप्शन ओपन हो चुके हैं और भी बहुत सारे ऑप्शन हम लाने वाले हैं. ठीक है, तो मीटिंग की शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों से एक बात पूछना चाहूंगा कि हर किसी को मेरी आवाज प्रॉपरली सुनाई दे रही है. अगर सुनाई दे रही है तो प्लीज मुझे आप हैंड रेज कर सकते हैं सारे के सारे लोग, ताकि मुझे पता चल जाए कि हर किसी को आ रही है. बिल्कुल बिल्कुल. ओके सर. ओके मतलब ओके 100% लोग. क्या बात है, क्या. ठीक है सर, अब यहाँ से हम मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है हर किसी को मेरी आवाज प्रॉपरली सुनाई दे रही है. राइट, लेकिन सबसे पहले मैं अभी आपको जो हमारे यूपीआई का जो अपडेशन आया उसके रिगार्डिंग मैं आपसे बात करूंगा. कि अभी आप जो यूपीआई का अपडेशन आया है वहां पे लोग विड्रॉल लेते हैं तो उसकी कुछ कंडीशन है. ठीक है, तो वो कंडीशन क्या है वो बहुत समझना जरूरी है, ताकि आप लोग अगर समझ जाए तो आपकी टीम से भी किसी बंदे जो भी आपकी टीम है उनको भी आप समझा पाएंगे. सबसे पहले देखिए यहाँ पे मिनिमम विड्रॉल जो रखा हुआ है 100 रुपीज का रखा हुआ है वन टाइम में, मतलब 100 रुपये का आप विड्रॉल ले पाओगे यूपीआई के माध्यम से, और मैक्सिमम होगा वो आप होगा 500 रुपीज. एक टाइम में आप 500 तक वहां पे विड्रॉल ले पाओगे. दूसरी बात है यहाँ पे कि पॉइंट डिडक्शन का. ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पे है कि भी हमारा जो 10% एडमिन चार्ज था वो यहाँ पे एज इट इज रहेगा, लेकिन एक्स्ट्रा 5% यूपीआई का चार्ज है वो लगेगा. जो लोग भी यहाँ से यूपीआई से पेमेंट विड्रॉल करना चाहेंगे उनको टोटल 15% चार्ज लगेगा. आज भी जैसे हमने लाइव किया तो बहुत लोगों ने विड्रॉल रिक्वेस्ट डाली, उसमें से बहुत लोगों को विड्रॉल चला गया. ठीक है, और बहुत लोगों के भी पेंडिंग में पड़े हुए, उन सारी बातों को भी मैं आपके ऊपर डिस्कशन करूंगा. मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मन में वो सवाल भी है. राइट, तो अभी जिन लोगों ने विड्रॉल लिया होगा उनको 10% डिडक्ट हुआ होगा, 15% डिडक्ट नहीं हुआ होगा, क्योंकि अभी तक वो सिस्टम के अंदर हम अपलोड नहीं कर पाए क्योंकि उसकी वजह से लोड भी बहुत ले रहा था सिस्टम. राइट, और अभी अभी जस्ट अभी आपने देखा होगा कि बहुत लोगों का वो भी क्वेरी आ रहा है कि सर पॉइंट फिर से डिडक्ट होने लगे. राइट, तो दोस्तों मुझे आप सबसे पहले मुझे आपको यही बताना है
कि आज के दिन पूरी नाइट पॉइंट आपके डिडक्ट होते हैं, तो कोई टेंशन मत लीजिए क्योंकि आज पूरी नाइट इस सिस्टम के ऊपर वर्कआउट चलने वाला है। क्योंकि सबसे पहली बात हमारी ये होती है कि आपकी एप्लीकेशन वो सही तरीके से रन करे, आप जो भी टास्क करे वो आप 100% परफेक्टली तरीके से उसको रन कर पाए, और आपके टास्क भी हो, आपकी टीम के भी टास्क हो, जिसके माध्यम से आपको इनकम प्रॉपरली जनरेट हो पाए, राइट। तो आज देर रात तक डेवलपर की टीम काम करेगी इसके ऊपर सिस्टम स्मूथ करने के लिए, क्योंकि यूपीआई तो हमने डाल दिया है लेकिन सिस्टम स्मूथ नहीं हो रहा है। तो उसपे उसके लिए कर क्या रहा है कि कभी कभी आज के दिन का अगर डेटा हमें डिलीट करना पड़े तो वो डेटा डिलीट भी कर देंगे, जिसके माध्यम से आप लोगों को जो भी आज के दिन में टास्क किया होगा वो वहां से निकल जाएगा। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो अर्निंग हुआ है वो आप नहीं ले पाओगे, राइट। वो जैसे ही स्मूथ हो गया सिस्टम, फिर से उसको रिलोड कर दिया जाएगा, मतलब कि एक बार रिलोड हो गया तो आपका जो भी पॉइंट है वहां पे एज इट इज आ जाएगा। तो आप ये मैसेज अपनी टीम तक, एंड यूजर तक ये पहुंचा दीजिएगा कि अगर पॉइंट वहां से डिडक्ट हुआ है तो वो सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए चल रहा है। और आप मान के चलिए आने वाले एक वीक तक हम सिस्टम को, जब तक सिस्टम पूरा का पूरा स्मूथ चल रहा है, एक वीक तक कंटिन्यू चल गया तो उसके बाद हम इसके ऊपर और कोई वर्कआउट नहीं करेंगे। सिस्टम पहली बात, हमारी पहली प्रायोरिटी है कि हम सिस्टम को स्मूथली चलाएं, ठीक है। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया कि भाई बहुत सारे लोगों का अभी यहाँ पे यही चीज चल रहा होगा कि भाई मेरा पॉइंट डिडक्ट हो चुके हैं वहां पे, क्योंकि अभी जस्ट सिस्टम फिर से लोड लेना शुरू कर दिया था। बहुत लोगों ने आज पेमेंट रिक्वेस्ट डाली, सिस्टम लोड ले रहा था, उसकी वजह से हमारे पास अभी हमने क्या किया है कि ये मैनुअल अप्रूवल रखा हुआ है। मैनुअल अप्रूवल मतलब कि आप जैसे ही यूपीआई के माध्यम से विड्रॉल रिक्वेस्ट डालते हो तो वो डायरेक्टली ऑटो नहीं रखा हुआ है, क्योंकि हम अभी भी हम उसके ऊपर टेस्टिंग फेज पे चल रहे हैं, राइट। मतलब कि वो रिक्वेस्ट आपकी आएगी एडमिन के पास, और एडमिन जैसे यहाँ से अप्रूव करेगा उसके बाद ही आपका जो आगे का जो पेमेंट का प्रोसेस वो चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अभी आप विड्रॉल लेते हो तो अभी बहुत सारे लोगों का पेंडिंग भी दिखा रहा है। शुरुआत के 15 लोगों के जो रिक्वेस्ट आई थी उनका अप्रूवल हो चुका, उसके बाद सिस्टम लोडिंग की वजह से आपने विड्रॉल लगाया था तो वो रिक्वेस्ट हमारे एडमिन पैनल में ही शो नहीं हुआ था क्योंकि सिस्टम लोड ले रहा था, उसकी वजह से हमने जो डेटा है उसको डिलीट किया ताकि सिस्टम सही तरीके से वर्कआउट कर पाए। तो उसी की वजह से बहुत सारे लोगों का जिनका वो पॉइंट वहां से उनको कटा हुआ दिख रहा होगा, तो ये कोई घबराने वाली बात नहीं है। जैसे ये नॉर्मल हो जाएगा तो फिर से हम उसको रिलोड कर देंगे, और ये मैक्सिमम कल मॉर्निंग तक ये सारी की सारी चीजें हो जाएंगी, क्योंकि आज रात को इसके ऊपर पूरी रात वर्किंग भी चलने वाला है। डेवलपर की टीम को हमने बिठाया हुआ है, वो लोग पूरी रात भी इसके ऊपर काम करेंगे, क्योंकि इसके बाद हमें बहुत सारी चीजें आपके लिए लानी है, ठीक है। तो ये हो गया कि भी आप जो विड्रॉल लेते हो और जो भी आपका जो पॉइंट कट हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, सिस्टम को स्मूथ करने के लिए हो रहा है और कुछ नहीं है। यहाँ पे किसी का भी एक पैसा भी यहाँ से डिडक्ट नहीं होगा और कहीं नहीं जाने वाला है, वो आपका फिर से वहां पे आने वाला है, राइट। दूसरी बात कि आप जब भी विड्रॉल लेते हो तो यहाँ पे वर्किंग आवर्स पे अभी आपको यूपीआई में मैन्युअली कर, क्योंकि हम यहाँ से एडमिन अप्रूवल के माध्यम से हमें रखा हुआ टेस्टिंग फेज के अंदर, तो अभी आपको क्या है मॉर्निंग 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक जो भी रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है, वो एडमिन के अप्रूवल होते ही आपको वहां पे तुरंत मिल जाएगी, ठीक है। अगर नहीं हुआ है आप शाम को भी लेते हो तो पेंडिंग में चला जाएगा, तो आप किसी को भी बता रहे हो तो आपको उनको बोलना है कि मैक्सिमम 24 आवर्स लगेगा कि आपको आपकी जो विड्रॉल रिक्वेस्ट यहाँ पे यूपीआई में डाली है, क्योंकि हमने वो मैन्युअली रखा हुआ है, राइट। दूसरी बात यह है कि सैटरडे संडे भी हमारा ऑफ होता है, तो आप अगर सैटरडे को भी डालते हो तो भी आपको मंडे को मिलेगा, और फ्राइडे 6 बजे के बाद डालते हो तो भी आपको वो रिक्वेस्ट, आपको पेंडिंग रिक्वेस्ट है वो मंडे को ही मिलेगा। तो ये बातें आप सभी को बहुत जानने के लिए बहुत जरूरी है, और अपनी टीम को भी ये बात शेयर करना, क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे पैनिकली आपको क्वेश्चन करने लगेंगे, मैंने सर विड्रॉल लगाया लेकिन अभी तक मेरा विड्रॉल आया नहीं है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो चीजें है ये सिस्टमेटिकली हम कर रहे हैं। एक बार ये सिस्टम स्मूथली रन कर दिया और ये सब कुछ नॉर्मल हो चुका तो इसको भी हम ऑटो मोड पे ला देंगे। जैसे अभी पेटीएम में आप विड्रॉल लेते हो तो आपको अप्रूवल, एडमिन अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो डायरेक्टली वहां से कटआउट हो रहा है, राइट। तो वैसे ही हम इसको सिस्टम को भी हम फिर डायरेक्टली ऑटो मोड पे डाल देंगे, जिसके माध्यम से आपको किसी अप्रूवल की रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जैसे आप विड्रॉल लोगे तो तुरंत आपको आपके बैंक अकाउंट में जो भी पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, बशर्ते आपके बैंक अकाउंट का सर्वर डाउन हो या ऐसा यूपीआई में अक्सर होता रहता है, ठीक है। तो जैसे वो सर्वर का प्रॉब्लम रिसोल्व होता है आपके बैंक के माध्यम से, ठीक है, तो वो आपके अकाउंट में आ जाएगा।
राइट, थोड़ा पेशेंस भी रखना जरूरी है। देखिए आप लोगों की पेशेंस की वजह से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, और ये सारा काम ऐसा होता है कि यहाँ पे जरूरी ऐसा नहीं है कि आज बोला और आज के दिन में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा सिस्टम बहुत बड़ा सिस्टम है जिसके ऊपर हमें एक एक कोडिंग पे वर्कआउट करना होता है, तो जिसके ऊपर सब लोग काम कर रहे हैं, पूरी की पूरी कंपनी यहाँ पे काम कर रही है, सारे के सारे डेवलपर भी लगे हुए हैं, साथ ही साथ आप लोगों के जो भी क्वेरी होती है उनको भी हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। और दूसरी बात, बहुत सारे लोगों की क्वेरी अभी पेंडिंग में पड़ी हुई है, ठीक है, तो उनको भी मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी क्वेरी किसी की पेंडिंग पड़ी हुई है, ठीक है, उनको हमने इसलिए पेंडिंग में रख दिया था क्योंकि अगर उसको अगर हाथ में लेते तो अभी यूपीआई का जो काम है उसको भी हम उस टाइम पे भी वो डिले हो सकता था, तो अभी हो चुका है कि अपना यूपीआई कंफर्म हो चुका है, तो अब बाकी कल के दिन तक ये सिस्टम पूरा नॉर्मल हो जाए, टास्क वगैरह नॉर्मल आना शुरू हो जाए और सारा का सारा सिस्टम स्मूथली वर्किंग करना शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद जितनी भी क्वेरी पेंडिंग पड़ी हुई है उनके ऊपर वर्कआउट करेंगे और विदिन 2 या 3 डेज में जितने भी पेंडिंग क्वेरीज है उसको भी हम रिसोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब परफॉर्मेंस जो इश्यू आ रहा है उसको मैंने बोला कि भी हम लेट नाइट तक इसके ऊपर वर्कआउट करेंगे, जिसके माध्यम से आपका जो पेंडिंग पड़ा हुआ यूपीआई वो भी नॉर्मल हो जाएगा और जिनका पॉइंट डिडक्ट हुआ है उनको भी वहां से वापस मिल जाएगा। दूसरी बात है कि अभी आप देख रहे होंगे कि रिव्यू का जो अप्रूवल जो टास्क आ रहा है वहां पे थोड़ा देरी लग रही है या 3-4 दिन, आज हमने रिव्यू के टास्क को रोक के रखा था ताकि सिस्टम पे लोड ना रहे, ठीक है, इसलिए रोक के रखा क्योंकि सिस्टम को अभी जस्ट स्मूथ करना था, राइट। अभी रिव्यू अप्रूवल जैसे ये सिस्टम स्मूथ हो गया तो रिव्यू जो आप जिस दिन पे करोगे वही सेम डे आपका रिव्यू अप्रूवल भी होने लगेगा, मतलब ये हो गया कि वन बाय वन हर एक पॉइंट पे हम काम कर रहे हैं, आपके रीओपन के टास्क भी बढ़ने वाले हैं और हम आगे जाके ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं कि एक दिन में हर एक बंदे की जो इंडिविजुअल इनकम है, सेल्फ अर्निंग इनकम है, वो बढ़े, ठीक है, तो उसके लिए भी हमने एक प्लान किया हुआ है जिसका बेनिफिट जो लोग अभी काम कर रहे हैं यहाँ पे सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को मिलने वाला है। तो जितने भी टास्क है, रीओपन के टास्क है या रिव्यू के टास्क है, ठीक है, ये सारे के सारे टास्क अभी रिव्यू के टास्क लोगों को पेंडिंग हो रहे होंगे, ठीक है, तो आज के दिन के लिए हमने वो स्टॉप कर लिया था, सिस्टम स्मूथ होने के बाद आपको सेम डे वो देखने को मिल जाएंगे, अप्रूवल होने को मिल जाएंगे, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको कुछ बात दोहरा देता हूँ कि यूपीआई जो है उसकी कंडीशन होगी मिनिमम 100 रुपीज विड्रॉल, ठीक है, कुछ लोग मुझे यहाँ पे बोल रहे थे, मुझे मैसेज भी आए थे कि सर मिनिमम 10 रुपीज रख दीजिए, तो माय डियर फ्रेंड्स मैं तो चाहता था कि यहाँ पे मिनिमम 1 रुपीज भी रखूँ, ठीक है, लेकिन वो चार्जेस आप बेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो टेक्निकली भी पॉसिबल नहीं था और यूपीआई के लिए भी हमारे भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं था, हमारे लिए जो भी अभी इनिशियली वे में जो पॉसिबल था, ठीक है, वो हमने किया क्योंकि ये मिनिमम 500 तक जाने वाला था, हमने कैसे भी करके इसको 100 तक लाके रखा हुआ है कि जो भी यूपीआई का जिनको यूज करना है वो मिनिमम 100 रुपीज का वहां पे लेके विड्रॉल करे। और एक बात आपको खास बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप विड्रॉल लेने जाओ तो 100 रुपीज का विड्रोल हो तो आके 1 लाख पॉइंट होते हैं वहां पे, तब आप 100 रुपीज का विड्रोल ले पाते हो, लेकिन आपको 15% एक्स्ट्रा वहां पे करना है, तो 15% वहां पे डिडक्ट होगा, 10% एडमिन चार्ज और 5% यूपीआई चार्ज जो होता है, ठीक है, उसके माध्यम से, मतलब कि आपके एक वॉलेट में 1,15,000 पॉइंट होंगे तभी आप 100 रुपीज का विड्रोल ले पाओगे और 100 रुपीज आपके पूरे के पूरे आपके अकाउंट में वहां पे आ जाएंगे, राइट। तो ये जो सारी बात है इसके रिगार्डिंग आपको क्या करना है कि आपकी टीम को पूरे के पूरे जितनी भी टीम है उनको अवेयर करना है और लास्ट तक वो मैसेज पहुंचाना है, ठीक है, कि अभी टेक्निकली जो चीजें चल रही है अभी इस सिस्टम में यूपीआई चला नहीं जाएगा, यूपीआई कंटिन्यू रहेगा, आप विड्रॉल भी मार पाओगे, इनका पेटीएम चल रहा है वो पेटीएम से भी विड्रॉल ले पाएंगे। दूसरी ये बात है, कुछ लोगों के सवाल ऐसे भी थे कि भी उनके पास फोन पे भी है, गूगल पे भी है, ठीक है, तो क्या वो कोई भी एक अपने मोबाइल के अंदर एक यूपीआई डाल सकते हैं और दूसरा यूपीआई है वो दूसरी जगह पे डाल सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, तो आपके पास गूगल पे भी है, फोन पे भी है, तो उन दोनों को आप अपने अलग अलग मोबाइल के अंदर भी यूटिलाइज कर पाओगे, ठीक है। तीसरी बात ये है कि हमने आपने जब देखा होगा कि अब आप जब एप्लीकेशन ओपन करते हो तो वहां पे यूपीआई के ऑप्शन के नीचे आपको एक सजेशन भी आया है कि आपका अगर गलती से कुछ भी यूपीआई गलत डाल दिया है, ठीक है, तो वहां पे आपको चेंजिंग का ऑप्शन दिया है, वहां पे आपको कुछ चार्ज है वो आपको लगेगा अगर आपने यूपीआई चेंजेस की रिक्वेस्ट डाली, ठीक है, तो वो आपको चार्ज लगेगा, ठीक है। तो मतलब कि बहुत सारे लोग हैं जो हड़बड़ी में, जिनको पता नहीं होता यूपीआई आईडी क्या होता है, क्योंकि अभी मेरे पास तो बहुत सारे इशू आए, लोगों को यूपीआई आईडी पता नहीं होता है, लोग यूपीआई के अंदर भी फोन नंबर डालते हैं, है ना,
यूपीआई आईडी क्या होता है वो लोगों को नहीं पता है, तो यूपीआई यहाँ पे जितने भी लीडर बैठे हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि अपनी टीम को समझाए कि यूपीआई आईडी कहाँ से लेते हैं, फोन पे में जाके उसको एग्जैक्टली यूपीआई आईडी किसको बोलते हैं वो सारी अपनी टीम को इन्फॉर्मेशन दे, ताकि उन लोगों के एक्स्ट्रा ऐसे जो क्वेश्चन है जो सही में हमारे पास आते हैं तो हम उनके ऊपर जो टाइम देते हैं, ठीक है, जिसको हमें टाइम देने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, उसकी बजाय जो रियल टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं उसके ऊपर हम फोकस कर पाए और ज्यादा से ज्यादा हम आउटपुट ले पाए अपने जो भी एरर्स हो या कोई भी क्वेश्चन हो हमारी टीम के अंदर जो लोग काम करे उनके रिगार्डिंग, क्योंकि उनका भी काम हम फास्ट यहाँ पे कर पाए। ऐसा नहीं है कि हम हर एक बंदे का आंसर नहीं कर पाए, लेकिन ऐसी जो चीजें होती है नॉर्मल छोटी छोटी बातें होती है जो लोगों को बहुत नॉर्मल है बातें जो लोगों को समझनी होती है कि भाई यूपीआई किसको बोलते हैं और मोबाइल नंबर किसको बोलते हैं, राइट। तो ये भी हर एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपनी टीम को इसके बारे में भी नॉलेज दिया जाए। और 15% और 10% का डिफरेंट भी समझाना है कि अगर आप पेटीएम से करते हो तो आप पेटीएम से भी वहां पे कर सकोगे, ठीक है। आपका यहाँ अगर आपका पेटीएम का भी आपका आईडी लगा हुआ है तो आप वहां पे यूपीआई आईडी भी आप अटैच कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि आपने 100 रुपीज का विड्रॉल लिया यूपीआई से, ठीक है, फिर आप पेटीएम से भी 10 रुपए का विड्रॉल ले सकते हो। मतलब आपके लिए सारे की सारी यहाँ पे छूट दी गई है, आप दोनों को यूज कर सकते हो, एक एप्लीकेशन में दोनों गेटवे को यूज कर सकते हो। आने वाले समय में और भी गेटवे आएंगे तो उसका भी आप यूटिलाइज कर पाओगे, ठीक है। और ये सिस्टम हम कुछ टाइम के लिए वर्किंग में देखेंगे, जिसको हमने मैन्युअली रखा हुआ है वो मैन्युअली एडमिन के माध्यम से अप्रूव होता है। तो ये बात आपको खास ध्यान रखनी है कि भाई कोई आपको बोल रहा है तो उनको बोल दीजिए कि अगर यूपीआई से लोगे तो आपको मिनिमम 24 आवर्स लगेगा, और वो भी वर्किंग डेज की बात है, सैटरडे संडे को छोड़कर, क्योंकि सैटरडे संडे पे हमारे यहाँ पे एडमिन भी नहीं होते और बैंकिंग हॉलीडेज भी होता है, ठीक है। तो ये बात हर किसी को याद रखनी है। तीसरी बात, एक बहुत ही जोरदार आपके सामने मैं रखना चाहूंगा कि डियर फ्रेंड्स, आने वाले समय के अंदर हम अपने कुछ गेमिंग एप्लीकेशन भी लाने वाले हैं। जैसे आपको पता होगा कि लास्ट एक वीक पहले ही गवर्नमेंट से कुछ गेमिंग एप्लीकेशंस को अप्रूवल मिल चुका है, जैसे लूडो है, फिर ड्रीम इलेवन टाइम जो एप्लीकेशंस होती है उनको अप्रूवल मिल चुका है जो यहाँ पे इंडिया में लीगलाइज हो चुका है, ठीक है। तो आपको उसके लूडो गेम बहुत जल्द मिलेगी सिस्टम स्मूथ होने के बाद, विद इन वीक 10 दिन 15 दिन के बाद, जहाँ से आप लोग लूडो खेल के भी अच्छा खासा अर्निंग कर पाओगे और आपको वहां पे रेफरल इनकम भी बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो मतलब कंपनी आपको हर एक तरीके से आगे जाके बहुत सारी चीजें आपके सामने परोसने वाली है, जिसके माध्यम से आप जितनी भी टीम बनाई होगी हर जगह से हर एक बंदा, चाहे वो लूडो खेलता हो, चाहे रेल के इसके टास्क कर रहे हो या कुछ और भी कर रहे हो, ड्रीम इलेवन के ऊपर भी अपना काम कर रहे हो या फिर उसके रिलेटेड ड्रामी वगैरह जैसे भी गेम्स वगैरह प्ले कर रहे हो, वहां से भी जो लोग खेल रहे होंगे, ठीक है, उसके माध्यम से भी आपको वहां पर रेफरल कमीशन मिलने वाला है। तो उसका भी रेफरल प्रोग्राम हम बना रहे हैं, तो उसका वो भी आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। लेकिन आपको पेशेंस रखनी है, अगर मैंने अभी यहाँ पे अनाउंस कर दिया, मैं हमारे फ्यूचर प्लानिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो ऐसा ना हो कल से कि भी लोग ये बोलने लगे कि सर हमारा ये लूडो कब आएगा, हमारा ये रमी कब आने वाला है, ठीक है। ये कोई जल्दबाजी मत करिए, अभी आपका जो सिस्टम चल रहा है उसके ऊपर वर्कआउट आपको करना है, बाकी सब लोग जैसे जैसे सारी की सारी चीजें अपडेट होती रहेगी वो ऑटोमेटिकली आपके सामने आती रहेगी, और जितने भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं उन सबके सामने सारी की सारी चीजें आती रहेगी। आने वाले समय के अंदर आपको और भी चीजें मिलने वाली है। हेलो, यस सर, आवाज आ रही है सर? जैसे कि अभी देखिए लोग अलग अलग कंट्रीज में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि कुछ कंट्रीज है जिसके ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना है, उसका भी लिस्ट आपको मिल जाएगा। अभी मान के चलिए आप इंडिया के अंदर कोई भी टास्क कर रहे हो तो आपको 850 पॉइंट मिल रहा है एक एप्लीकेशन इंस्टॉल के, राइट। तो कोई मान के चलिए कोई यूएस से कोई बंदा जुड़ा हुआ है और वो वहां पे टास्क करता है, एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करता है, उसको 4000 या 5000 पॉइंट मिल सकता है, ठीक है। मतलब जो कंट्री है जहां से जिस तरीके से एड रेवेन्यू ज्यादा, कोई कुछ कंट्री में एड रेवेन्यू ज्यादा मिलता है, कुछ कंट्री में एड रेवेन्यू कम होता है, उस हर एक कंट्रीज के हिसाब से अलग अलग टास्क के अलग अलग पॉइंट होंगे। जैसे अभी हम यहाँ पे रीओपन के टास्क करते हैं तो वहां पे हमें 550 पॉइंट मिल रहा है, अगर यूएस में कोई बंदा काम करे तो वहां पे 1500 या 2000 पॉइंट भी रीओपन के टास्क का उनको 200
2000 पॉइंट भी वहां पे मिलेगा। वैसे अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग पॉइंट है और उसके हिसाब से अलग आपका जो भी रेफरल बोनस है वो आपको सेम इट इज एज इट इज ही मिलने वाला है। और जितने भी हमारे इंटरनेशनल फैमिली मेंबर्स थे उनके लिए एक बात है, उनकी विड्रॉल प्रोसेस है वो उसमें भी एक डेढ़ दो महीना तक का टाइम लगेगा, लेकिन उनको हम मैन्युअली स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब कि आप उनको भी जब कभी भी अगर विड्रॉल की रिक्वेस्ट है विड्रॉल रिक्वेस्ट लगा सकते हैं और उनको सेम डे उनके वॉलेट में वहाँ पे पैसा मिल जाएगा। मतलब कि अभी इंटरनेशनल लेवल का भी हमने कर दिया है, एक और सिस्टम हम बना रहे हैं कि एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं कि जिसके माध्यम से जहाँ पे आप जब विड्रॉल लगाते हो, हम सिर्फ और सिर्फ विड्रॉल पे ही बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, तो एक ही जगह से हमारे एक खुद के ही पेमेंट गेटवे के माध्यम से आप वहां से पेटीएम को भी यूज कर सकते हो, गूगल यूपीआई का भी यूज कर सकते हो। अगर आपको इंटरनेशनल गेटवे का भी यूज करना है तो आप उसके माध्यम से भी वहां से पेमेंट ले पाओगे। मतलब कि सारे के सारे सिस्टम कंपनी वन बाय वन बना रही है और वन बाय वन उसको यहाँ पे इंस्टॉल कर रही है। ठीक है, तो दोस्तों मुझे आपको ज्यादा नहीं बोलना था, यहाँ पे कुछ चीजें थी जैसे कि मैंने आपको अभी यूपीआई चल रहा है और अभी जो जो भी इश्यूज आएंगे तो उस इश्यूज से आपको अवेयर होना है कि अभी कुछ भी चीजें होती है तो उसमें हड़बड़ी नहीं करनी है और अपने अपलाइन हो या अपने टीम मेंबर से उनको परेशान नहीं करना है। राइट, कि भाई मेरा पॉइंट डिडक्ट हुआ है तो वो डिडक्ट नहीं हुआ है, किसी का भी नहीं होने वाला है, सारे का सारा रिस्टोर होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आपका जो एप्लीकेशन बीच में कभी कभी लोड लेता है उसको हम नॉर्मलाइज करने के लिए वो चीजें करते हैं और ये प्रैक्टिस कंटिन्यू आने वाले 5-7 दिन तक हम देखेंगे एकदम नॉर्मल हो गया। उसके बाद आगे वाली आगे की भी प्रोसेस हम करेंगे, जैसे लोगों ने बताया है कि भी आगे जाके हम कुछ और भी डायरेक्ट में 20 वाला भी हम लाएंगे तो उसके ऊपर भी हम फास्टली वर्कआउट कर पाएंगे। बाकी हम जो लूडो लाने वाले हैं वो बहुत जल्द आपको मिल जाएगा, उसमें किस तरीके का चीज रहेगा, उसमें आप किस तरीके से अर्निंग कर पाओगे, खेल के भी अर्निंग कर पाओगे, रेफरल से भी अर्निंग कर पाओगे, उसकी भी जानकारी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। ठीक है, और बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज जो पेंडिंग में पड़े हुए हैं, ठीक है, उसको भी घबराने वाली जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब कंप्लीट हो गया, क्योंकि यहाँ पे लाखों लोग जुड़े हुए हैं, लाखों लोगों की प्रॉब्लम है यूपीआई, तो उनको हम पहले सॉर्ट आउट करने का देख रहे हैं। उनका सॉर्ट आउट हो गया देन आप जितनी भी क्वेरीज पेंडिंग में पड़ी हुई है, ठीक है, उनको ले लेंगे, क्योंकि अगर उनकी क्वेरी अभी पेंडिंग में लेने जाएंगे तो सिस्टम में हमें कोडिंग चेंज करना पड़ेगा और चेंज करेंगे तो फिर से लोडिंग स्टार्ट ना हो जाए, हम वो देखते हैं ऑलवेज। ठीक है, तो हर एक बंदे जो भी यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं अपनी टीम को बढ़ाए, क्योंकि आने वाले समय के अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। मतलब कि आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसी ऐसी चीजें हम ला रहे हैं और जो आप घर से और सिर्फ घर पे बैठे बैठे ही यहाँ से हजारों लाखों रुपए की भी अर्निंग कर पाओ। और हर एक घर के अंदर हमारा एक ही उद्देश्य है कि शुरुआत में लोगों ने बोला था कि भी हमारा मोटिव क्या है, हमारा एक ही मोटिव है आपके घर में हर एक के घर के अंदर एक अच्छी खासी इनकम जाए और हर एक घर खुशहाल रहे और फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव करे बिना किसी हेडेक के। और एक ऐसा माहौल हम यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं कि लोग जो बोलते हैं कि भाई हमारे पास रोजगार नहीं है, हम बेरोजगार है, वो आने वाले समय में ये बोले रोजगार कहाँ नहीं है, रोजगार नहीं है तेरे पास तो आ जा रियल केस में तेरे को रोजगार यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब कि आपके पर्सनल टास्क को भी कैसे बढ़ाया जाए उसके ऊपर भी वर्कआउट कर रहे हैं और ये सारी चीजों के ऊपर भी हम वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजों में थोड़ा टाइम लगता है तो उसके लिए पेशेंस भी हम सबको रखनी पड़ेगी और हम उसके ऊपर दिन रात लगे हुए हैं। और जितना भी जल्द हो सके उतना जल्द आपको सारी की सारी चीजें वन बाय वन आपको अपडेट देते रहेंगे और अच्छी अच्छी चीजें आपके सामने प्रमोट करते रहेंगे। ठीक है सर, इससे ज्यादा मुझे अभी यहाँ पे कुछ और भी नहीं बोलना है, बाकी जो भी हमारे होस्ट है वो आ सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच सर।